सो गाइस, आज सुबह जैसे ही मैंने अपना इंस्टाग्राम खोला वैसे ही हज़ारों के कागज में मैसेज आने लगी कि भाई क्या फ्री फायर बैन हो गया, क्या हो गया फ्री फायर को, ये फ्री फायर प्ले स्टोर में शो नहीं कर रहा है, हमारा एयरटेल के सिम में नहीं चल रहा है। तो ये मैंने देखा है कि जियो के सिम में चल रहा है फ्री फायर, बट एयरटेल के सिम में फ्री फायर नहीं चल रहा है एंड प्ले स्टोर से भी फ्री फायर को गायब कर दिया गया है, सिर्फ फ्री फायर मैक्स ही शो कर रहा है, आप सामने देख सकते हैं। एंड जब ये बात हमें पता चली तो हमने बस एयरटेल के कस्टमर केयर को फ़ोन किया तो उसने कुछ इस तरह बताया। अनुसार काफी एप्स ब्लॉक कर दी गई हैं, जिसके कारण अब आप ये एप्स डाउनलोड या इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, असुविधा के लिए हमें खेद है। सो गाइस, अभी जैसा कि आपने देखा कि एयरटेल के कस्टमर केयर ने क्या बोला, अभी जियो का हो रहा है बट जियो का भी बैन हो सकते हैं, ये एक और क्लिप है वो भी आप देख सकते हैं। गवर्नमेंट द्वारा बैन कर दिया गया है, वो काम नहीं कर रहा है सर। तो कब तक चालू सर कुछ आपको पता? आपको गवर्नमेंट ने बैन कर दिया, वो काम नहीं करेगा सर, कभी नहीं काम करेगा। सर जियो के सिम क्यों चल रहा है? अगर देखिए आज ही बैन कराया तो प्रोसेसिंग में है, अगर कुछ जगह चल रहा है वो भी बंद हो जाएगा सर। ओ सर, तो सर कोई बैन नहीं है इसका? सो गाइस, ये सुन के आपको थोड़ा बुरा लगा होगा बट गाइस अभी पूरा श्योर नहीं है, क्योंकि अगर फ्री फायर बैन होता तो पूरे मतलब बवाल मच जाता, मतलब पूरे टीवी शोज में हर चैनल में यही दिखाता, बट अभी तो कुछ भी नहीं दिखा रहे, तो अभी हम लोग इतना श्योर नहीं है कि यही हुआ है। तो अभी उतना पैनिक मत हो, क्योंकि पहले भी व्हाट्सअप और इंस्टाग्राम के साथ ऐसा हुआ था, तो इतना पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सर्वर डाउन भी हो सकता है। तो अभी कल परसों तक इंतज़ार करते हैं एंड देखते क्या होता है, जैसे भी कोई इन्फॉर्मेशन मुझे मिलेगी मैं आपको बता दूंगी। इसलिए कहा गया है कि भाई सब्सक्राइब कर दो यार, एंड अगर फ्री फायर बैन हो गया तो भाई बहुत दिक्कत आने वाली है, फ्री फायर मैक्स भी बैन हो सकता है जैसा कि आप कस्टमर केयर ने जैसा बोला। तो देखते क्या होता है, तब तक के लिए बाय बाय।